सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रचित भाटिया। मैं हूँ निकॉन इंडिया यूपी ईस्ट का इन्फ्लुएंसर और मैं हूँ वेडिंग फोटोग्राफी करता हूँ बाय प्रोफेशन से। तो आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं Z30 की अनबॉक्सिंग के लिए, जो कि एक कंटेंट क्रिएटर बेस्ड कैमरा है जो निकॉन ने हमें भेजा है। चलिए देखते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन लेते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। सो ये देखिए Z30, ये है किट लेंस 1650 के साथ, दो साल की वारंटी। तो सबसे पहले बॉक्स में है आपका वारंटी कार्ड और निकॉन की कुछ यूज़र मैनुअल और ये Z30 की यूज़र मैनुअल। और हाँ, एक चीज़ और कि यहाँ पे हमें निकॉन ने बहुत ही अच्छी चीज़ की है कि हमें एक 170 Mbps का 64 GB का कार्ड भी दिया है, जो कि आपका बहुत हाई स्पीड है, वेरी नाइस। और ये है हमारी टाइप सी केबल। देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है। निकॉन का स्ट्रैप, जिसे हमें अभी निकालने की ज़रूरत नहीं है। और ये है हमारा किट लेंस। चलिए किट लेंस भी निकाल के देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि ये किट लेंस है हमारा, बहुत ही शानदार किट लेंस है आपका, 1650 किट लेंस है। और इसका देखिए मैकेनिज्म भी बहुत अच्छा है आपका। और अब हम देखते हैं जो हमारा मेन जो हमारा मेहमान है Z30, वो कैसा है। तो ये है हमारी Z30 की बॉडी और देखा जाए तो बहुत ही शानदार बॉडी है, मतलब बहुत ही कॉम्पैक्ट है और बहुत ही लाइट वेट है। मतलब देखा जाए, अगर मेरे पास मैंने Z6 II है मेरे पास अपना खुद का, तो उस हिसाब से तो बहुत ही लाइट वेट है ये, मतलब फील भी नहीं हो रही हाथ में। जैसे कि देख सकते हैं आप, मैं कैमरे में भी दिखाता हूँ, ये देखिए। और फर्स्ट इंप्रेशन जो मेरे हाथ में जब आ रहा है तो ये काफ़ी प्रीमियम फील हो रहा है। मतलब एज एन कंटेंट क्रिएटर को अगर निकॉन ने इंडिया ने अपने दिमाग में रख के बनाया है, तो उस हिसाब से बहुत ही कॉम्पैक्ट कैमरा बनाया है। और सबसे अच्छी चीज़ कि इसमें 360 डिग्री आपकी फ्लिपेबल स्क्रीन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको ऐसे अपना व्लॉग का वीडियो बनाने में। और अगर आपको सामने खुद को देखना है कि हाँ मैं कैसा लग रहा हूँ, ऑल दैट, अगर आप वीडियो बना रहे हैं, फोकस में हैं कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है, तो वो आप इजीली देख सकते हैं इसके साथ। सो चलिए देखते हैं कि ये इसमें निकॉन ने हमें बैटरी कौन सी दी है। तो मैं पहले बैटरी चेक करता हूँ कौन सी दी है निकॉन ने। सो जो बैटरी हमारे पास है वो है NVEL 25, जो कि आपका ZSC में भी लगती है और ये सेम बैटरी इसमें भी सपोर्ट कर रही है। चलिए बैटरी लगाते हैं और इसको पहला बूट देते हैं लेंस के साथ, देखते हैं फिर क्या परफॉर्मेंस है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने इसमें बैटरी लगा दी है और मैंने लेंस भी लगा दिया है 1650 जो हमारे किट में आया है। तो देखिए कितना भी बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। और इसको ऑन करते हैं, देखते हैं। तो ये देखिए हमने ऑन कर दिया है कैमरा अपना और काफ़ी अच्छा है फर्स्ट इंप्रेशन इसका। और मतलब हैंड ग्रिप भी बहुत अच्छी है। अगर हम लोग Z10 से इसको कंपेयर करें तो इसकी हैंड ग्रिप काफ़ी अच्छी है, मतलब उससे तो बहुत ही बेटर मैं बोलूँगा। और फ्लिपेबल स्क्रीन भी है, देख लीजिए, इसमें हम फ्लिप स्क्रीन करेंगे तो उसमें हमारे पास ये फ़ायदा है कि हम पूरा खुद को देख भी सकते हैं जब हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। और हाँ, इसमें ये भी फ़ायदा है कि इसमें रिकॉर्डिंग टाइम काफ़ी है, मतलब आई गेस अनलिमिटेड है इसके अंदर रिकॉर्डिंग टाइम। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कंटेंट क्रिएटर के, अगर आप कोई लॉन्ग वीडियो ले रहे, कोई इंटरव्यू शूट कर रहे हैं आप, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल है। जैसे मैं रिकॉर्डिंग दबाता हूँ तो ये देखिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा हूँ मैं डिस्प्ले में भी। और ये देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है, ऑटो फोकस, आई ऑटो फोकस बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और मतलब मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ। मैं भी सोच रहा हूँ कि प्लानिंग पे हूँ कि मैं भी इसको आगे लेता हूँ, क्योंकि निकॉन ने अभी मेरे को टेस्टिंग के लिए भेजा है इसको और अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन के लिए हमारे पास अभी ये कैमरा आया है। तो आगे देखते हैं, इसका हमारा वेडिंग सीज़न भी आ रहा है तो वहाँ पर कैमरा क्या काम आता है हमारा और किस तरीके से काम आता है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि अभी मैं इस कैमरे को टेस्ट कर रहा हूँ और इसके रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। तो और देख सकते हैं कि ये जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसमें जब हम रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं तो उस टाइम पे देखिए इसमें रेड कलर की लाइट ऑन हो जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपको पता लगता रहेगा कि आप क्या कंटेंट शूट कर रहे हैं और कैसे शूट कर रहे हैं। तो ये चीज़ देखेंगे और बाकी मैं इसका वो पॉज करके आपको सारी स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। सो ये था हमारा Z30, बहुत ही खूबसूरत और शानदार कैमरा है ये दोस्तों। चलिए देखते हैं, मैं आपके इसके कैमरे के मैं आपको स्पेक्स बताता हूँ। और निकॉन ने इतने भर भर के इसके अंदर फीचर्स डाले हैं कि मुझे नोट डाउन करना पड़ा है इनके फीचर बताने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 20.9 मेगापिक्सल का कैमरा है, XP6 इमेज प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि निकॉन का लेटेस्ट प्रोसेसर है, ओके। और Z माउंट के साथ आता है, इसके साथ आप सेल्फ पोर्ट्रेट भी ले सकते हैं अपने सेल्फ
वीडियो बना सकते हैं क्योंकि ये कंटेंट क्रिएटर के लिए ही बना है कैमरा। और सबसे अच्छी चीज़ अगर वीडियो में हम देखें तो ये 4K 30 FPS निकाल सकता है बिना क्रॉप के, मतलब ये क्रॉप नहीं करेगा, और फुल HD आपका वो भी अनक्रॉप है आपका। सो फुल HD आपका अप टू 120 FPS तक जा सकते हैं। सोचिए स्लो मोशन में आपको कितना बड़ा एडवांटेज मिलेगा जब आप 120 FPS में शूट करेंगे, और 4K जो कि आजकल की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो 4K हम 30 FPS तक शूट कर सकते हैं इससे। सो दोस्तों मुझे कुछ और स्पेसिफिक्स आपको बताने थे इसके स्पेसिफिकेशंस। तो सबसे पहला स्पेसिफिकेशन है कि आई ऑटो फोकस पे वीडियो में आप आई ऑटो फोकस पे काम करता है। तो सोचिए आपका ऑटो फोकसिंग जब आप खुद वीडियो शूट कर रहे हैं तो कितना आसान हो जाता है आपके लिए ऑटो फोकसिंग करना। और दूसरा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है कि 11 FPS पर सेकंड आप शूट कर सकते हैं। अगर आप फोटो खींच रहे हैं और कंटीन्यूअस मोड पे आपने लगाया तो आप 11 FPS पर सेकंड की स्पीड से आप फोटोज ले सकते हैं। ओके ऑल्सो दोस्तों इसके अंदर एक और फीचर है कि आप इसे पावर बैंक के थ्रू टाइप सी केबल जो हमारे निकॉन ने दी है, जो केबल दी है, इसके थ्रू आप कंटिन्यूस चार्ज कर सकते हैं अपने पावर बैंक से। आप यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि आप बहुत लंबा कोई वीडियो शूट कर रहे हैं जिसमें आप कट नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में आप सीधे पावर बैंक से पावर ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर दिया गया इसमें। और इसके अंदर 209 ऑटो फोकस पॉइंट है। सोचिए कितना पूरा फुल डिस्प्ले कवर करता है, 209 ऑटो फोकस पॉइंट है, और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में ये आया है। बहुत ही अच्छा कैमरा है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, और मल्टी एंगल्स की फ्लिपेबल स्क्रीन है, जो कि फीचर मुझे बहुत पसंद है। आई विश मैं ये निकॉन से बिल्कुल ये विश करता हूँ कि वो Z6 III में या Z6 II में अगर देते तो बहुत ही अच्छा, लेकिन Z6 III में अगर उन्होंने ये फ्लिपेबल स्क्रीन दे दी तो ये बहुत ही अच्छा मूव होगा। सो दोस्तों यही थी कहानी हमारे Z30 कैमरे की, जो कि निकॉन ने बहुत ही अच्छा कैमरा लॉन्च किया है कंटेंट क्रिएटर के लिए। सो अब मैं इसकी आपको रियल क्वालिटी दिखाता हूँ कि ये कैसी क्वालिटी हमें प्रोवाइड करता है। तो मेरे 3 काउंट के बाद आप देखेंगे इसकी रियल क्वालिटी, 1, 2, 3। और ये देखिए इसकी ये रियल क्वालिटी है, आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत क्वालिटी, कितने अच्छे कलर लेके आता है ये। और ऑटो फोकस देखिए कितना शानदार है इसमें। इस टाइम पे मैंने ऑटो आईसो अपना फीचर कर रखा है, और सामने आप देख सकते हैं कि मेरी रिंग लाइट जल रही है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे कलर के साथ ये सैचुरेशन लेवल पूरा बैलेंस कर रहा है, और बहुत ही अच्छी शार्पनेस है, और बहुत ही अच्छा कैमरा है। तो ये था मेरी कहानी निकॉन Z30 के साथ। अलविदा करता हूँ मैं। ओके बाय।